इमेजिन पहले टेस्ट में 337 रन से हार मिले और दूसरे मैच में खराब अंपायरिंग की वजह से भी तुम्हारी टीम हारने लगे। प्लेयर्स फ्रस्ट्रेशन में आ गए और ग्राउंड पर चीजें हीट अप होने लगी, इतना कि इंडियन स्पिन विजर्ड हरभजन सिंह ऑसी लेजेंड एंड्रू सिमंड से लड़ने लग गए। बात रेशियल डिस्क्रिमिनेशन तक पहुंच गई। बट क्या वो सब सच था? क्या भज्जी ने सच में सिमंड्स को कुछ गलत कहा था, या फिर बेकार अंपायरिंग की वजह से मिली हार को इंडियन टीम डाइजेस्ट ही नहीं कर पाई? आखिर क्या थी ये कॉन्ट्रोवर्सी? द मंकी गेट स्कैंडल। प्री मैच सिनेरियो। साल 2008, वेन्यू था सिडनी क्रिकेट ग्राउंड। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया का वो टेस्ट मैच आज तक लोगों के दिल और दिमाग में बस चुका है। नॉट बिकॉज उसमें हम बहुत बुरी तरह से हारे थे और इंडिया की काफी बेइज्जती हुई थी, या फिर सचिन ने ब्रिलियंट सेंचुरी स्कोर करी थी, बट उस मैच में क्रिकेट को एज अ स्पोर्ट नहीं बल्कि एज अ मजाक देखा जा रहा था। Now this is where he is asking the captain, did he catch it? And then he says yes. Well, why don't you ask the batsman then? वो टेस्ट मैच आज भी वन ऑफ द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल टेस्ट मैचेस में से एक माना जाता है, इतना कि उस पे एक अलग वीडियो बन सकता है, लॉल। बट उस मैच के एक पर्टिकुलर इंसिडेंट ने बाकी सभी कारनामों पे एक पर्दा सा डाल दिया था। वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्ट्रोवर्सी, द मंकी गेट स्कैंडल। अब कहानी बताने से पहले उस मैच की समरी देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट इनिंग्स में 463 पर ऑल आउट हो गई और इंडिया अपनी फर्स्ट इनिंग्स में 532 पर ऑल आउट हो गई, और फिर सेकंड इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया ने 401 फॉर 7 स्कोर करके डिक्लेयर कर दिया, जिसके जवाब में इंडिया 210 पर ऑल आउट हो गई और ऑस्ट्रेलिया वो मैच 122 रन से जीत गई। इंडिया वो मैच दुनिया की सबसे बुरी और बेकार अंपायरिंग की वजह से हार गया था। मीनिंग ऑफ मंकी गेट। सिडनी मैच में बेकार अंपायरिंग के साथ एक और फेमस इंसिडेंट हुआ, जिसे हम लोग मंकी गेट स्कैंडल के नाम से जानते हैं, क्योंकि वो मैच टीम इंडिया काफी बुरी तरह से हार रही थी और कुछ हद तक वो अनफेयर था बिकॉज ऑफ अंपायरिंग। इसी वजह से मैच के दौरान इंडिया के फॉर्मर स्पिनर हरभजन सिंह और फॉर्मर एंड लेट ऑसी क्रिकेटर एंड्रू सिमंड्स की बातों बातों में ही नोकझोंक हो गई, और मैच के बाद हरभजन सिंह पर यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने सिमंड्स पर एक रेशियल कमेंट पास किया, रेफरिंग टू हिम एज मंकी, जिस वजह से आगे जाके बहुत बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी भी क्रिएट हुई थी। द इंसिडेंट। एमसीजी में हुए पहले टेस्ट में 337 रनों के बड़े मार्जिन से हारने के बाद अनिल कुंबले की कैप्टेंसी में टीम इंडिया सिडनी टेस्ट मैच खेलने के लिए उतरी। हालांकि वो मैच शुरू से ही खराब अंपायरिंग की वजह से विवादों से भरा हुआ था। You either cheat or you don't. It's very simple. That's what it is. It's cheating. इसलिए जब इंडिया बैटिंग करने के लिए उतरा तब गुस्सा प्लेयर्स के अंदर पहले से भरा हुआ था। हालांकि सचिन तेंदुलकर और वीवीएस लक्ष्मण की सेंचुरी और साथ में सौरव गांगुली के शानदार हाफ सेंचुरी से यही लग रहा था कि इंडिया फर्स्ट इनिंग्स में इजीली लीड ले लेगी, लेकिन इंडिया की बैटिंग के 116वें ओवर के अंत में जो हुआ उसने आने वाले महीनों के लिए क्रिकेट की दुनिया को हिलाकर ही रख दिया। स्कोर 451 फॉर 7 था और ऑस्ट्रेलियन टीम हताश हो रही थी। फास्ट बॉलर ब्रेट ली मोमेंट को गर्म कर रहे थे और हरभजन सिंह को बैटिंग में तेज झटके दे रहे थे। ब्रेट ली की ओवर की लास्ट बॉल को डिफेंस करने के बाद हरभजन विकेट की दूसरी तरफ चले गए और सिमंड्स के साथ एक या दो बातें बोलने लगे, कुछ ऐसा जो दूर से सबको नॉर्मली दिखाई दे रहा था। बट फिर दोनों के बीच में बातें हीट अप होने लगी। हालांकि थोड़ी देर बाद सिचुएशन ठीक हो गई, लेकिन दोनों की वर्बल फाइट के कुछ सेकंड के अंदर ऑन फील्ड अंपायर मार्क बेंसन ने हरभजन के लिए कुछ गलत शब्द कहे जो कि कैमरा पर इजीली विजिबल भी थे। इसके बाद ऑस्ट्रेलियन टीम ने अंपायर से कंप्लेंट करके बताया कि हरभजन सिंह ने एंड्रू सिमंड्स के ऊपर रेसिस्ट कमेंट पास किया था, क्योंकि उन्होंने सिमंड्स को की कहकर रेफर करा था। और फिर जल्द ही रिकी पॉन्टिंग और मैथ्यू एडन दोनों ने हरभजन सिंह के साथ लंबी देर तक अलग अलग बातचीत करी। दूसरे एंड पर सचिन तेंदुलकर थे जो पूरे इंसिडेंट को अपनी आंखों के आगे होते हुए देख रहे थे। हाउ डिड द टीम्स रिएक्ट? एक तरफ जहां ऑस्ट्रेलिया की टीम में अफरा तफरी हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ हरभजन और सचिन दोनों श्योर थे कि सिमंड्स पर किसी भी तरह का रेसिस्ट अब्यूज नहीं किया गया था। ऑस्ट्रेलियन क्राउड गुस्से में था और रेशियल अब्यूज के लिए हरभजन सिंह के खिलाफ आरोप लगाने का फैसला किया। ये गुस्सा ग्राउंड के अंदर मैच में भी दिखाई दिया था, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन टीम ने मैच खत्म होने के बाद इंडियन कैप्टन अनिल कुंबले से हाथ मिलाने से मना कर दिया था। हालांकि एडम गिलक्रिस्ट ने बाद में कंफर्म किया कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स मैच खत्म होने के बाद इंडियन प्लेयर्स के ड्रेसिंग रूम में गए थे और वहां उन्होंने उनसे हाथ मिलाया था। आईसीसी रिएक्शन।
मैच खत्म होने के तुरंत बाद मैच रेफरी माइक प्रॉक्टन ने 4 घंटे की सुनवाई के बाद अपना डिसीजन सुनाया कि हरभजन ने आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट के लेवल 3 को तोड़ा है और उनके ऊपर 3 टेस्ट मैचेस का बैन लगाया जाएगा, विच वॉज टोटली अनएक्सपेक्टेड। वर्डिक्ट सुनाते हुए प्रॉक्टन ने कहा, आई एम सैटिस्फाइड बियॉन्ड अ रीजनेबल डाउट दैट हरभजन सिंह डायरेक्टेड दैट वर्ड एट एंड्रू सिमंड्स एंड ऑल्सो दैट ही मेंट इट टू ऑफेंड ऑन द बेसिस ऑफ सिमंड्स रेस और एथनिक ओरिजिन। हालांकि इंडियन टीम मैनेजमेंट इस बैन से खुश नहीं था, इवन उन्होंने बैन के अगेंस्ट अपील करने से पहले ही सीरीज से हटने तक की धमकी तक दी थी। इसके बाद एडिलेड की फेडरल कोर्ट बिल्डिंग में ऑफिशियल कोर्ट हियरिंग हुई फॉर दिस केस विद रिकी पॉन्टिंग, मैथ्यू हेडन एंड माइकल क्लार्क अपियरिंग एज विटनेसेस फॉर सिमंड्स एंड सचिन तेंदुलकर अपियरिंग एज विटनेस फॉर हरभजन सिंह। इवेंचुअली आईसीसी के जस्टिस जॉन हैंडसन ने हरभजन सिंह को नॉट गिल्टी पाया फॉर रेशियली अब्यूजिंग सिमंड्स। From a level 3 racial vilification charge down to a level 2 charge of abusive language. And जो 3 मैच का बैन उनके ऊपर लगा था वो हट गया, बट उसकी जगह उन्हें 50% का मैच फीस फाइन देना पड़ा। Were these allegations true? कोई प्रॉपर एविडेंस ना होने की वजह से कोर्ट ने इस केस को डिसमिस कर दिया था। एंड टू बी ऑनेस्ट, आज तक किसी को नहीं पता कि हरभजन ने सच में सिमंड्स को रेशियली अब्यूज करा भी था या नहीं, जबकि एक साइड इंडिया ने हमेशा से यही कहा है कि रेशियल अब्यूज कभी हुआ ही नहीं था। वो बज्जी ने जो बोला था वो सिर्फ बज्जी, मुझे और आप लोगों को पता होगा, वो एंड्रू साइमंड्स मंकी गेट ही करता गया और वो असली बात समझा ही नहीं। वहीं ऑसीज अपनी बात पर अड़े रहे कि सिमंड्स के साथ रेसिज्म हुआ था और वे कोर्ट के फैसले से ना खुश भी थे। इवन एडम गिलक्रिस्ट ने अपनी ऑटोबायोग्राफी ट्रू कलर्स माय लाइफ में सचिन तेंदुलकर को सोल लूजर तक कहा है। थिंग्स सेटल्ड और नॉट, सब इश्यूज बाद में सेटल डाउन हो गए और कहीं ना कहीं आईपीएल ने ये करने में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले किया है। हरभजन और सिमंड्स दोनों आईपीएल में सेम फ्रेंचाइज मुंबई इंडियंस के लिए खेलने लग गए और तब से दोनों ने 2008 के इस इंसिडेंट को पीछे छोड़कर अपने गेम पर फोकस किया है। हालांकि सिमंड्स काफी टाइम तक हिंट्स देते रहे कि वे उस रेशियल अब्यूज इंसिडेंट से काफी अफेक्ट हुए थे और उन्होंने अब तक हरभजन को माफ नहीं किया है। वेल, उस दिन क्या हुआ इस बात की सच्चाई बस सिमंड्स और हरभजन ही जानते थे और अब एंड्रू सिमंड्स हमारे बीच नहीं रहे। RIP legend. Thanks for watching.